The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. See, aapke ghar mein bhi grandmothers, aapki dadi, aapki mother, right, आपके फादर जिनको घुटने में प्रॉब्लम है, जिनको पेन होता है, उन लोगों को आपने ऑब्जर्व किया होगा कई बार ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में उनको पेन ज़्यादा होता है. सो एक्चुअली में जो घुटने हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो वेदर से कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या चेंज आता है उनमें कि ठंड में, बारिशों में पेन बढ़ जाता है. जी हाँ, ऐसा होता है. आउटसाइड टेम्परेचर का या जहाँ वो रह रहे हैं उस टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट पड़ता है. सबसे कॉमन जॉइंट पेन होते हैं, सबसे कॉमन, और जॉइंट पेन ज़्यादा होते हैं रेनी डेज, कोल्ड डेज, और इस पर भी रिसर्च हुआ है काफ़ी हद तक. जो बायोमेट्रिक प्रेशर होता है, राइट, जो प्रेशर, हवा का प्रेशर होता है, वो जॉइंट को इफेक्ट करता है, राइट. लेकिन साथ ही इफेक्ट करता है ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर, अराउंडिंग टेम्परेचर का. और होता क्या है इसमें कि एग्जैक्टली क्या होता है कि जो जॉइंट है, जॉइंट के अंदर पेन बढ़ जाता है रेनी डेज, अगर ठंडा हो, ह्यूमिड हो. तो होता कैसे है, इसमें जो जॉइंट के आसपास फ्लूइड होता है वो और ज़्यादा रिजिड हो जाता है, वो ज़्यादा सख्त हो जाता है, राइट. नंबर वन रीज़न. नंबर टू रीज़न है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है आर्थराइटिस की. अगर आपको आर्थराइटिस है तो आपकी बॉडी और ज़्यादा तेज़ी से डैमेज कर सकती है आपके कार्टिलेज को, आपके कुशंस को, आपके जॉइंट्स को, आपके नर्व्स को, राइट. इनमें चेंजेस आ सकते हैं इन कोल्ड वेदर, राइट. और साथ में जो टेंडन्स हैं, जो मसल्स हैं और स्कार टिश्यू है, वो बाहर के, अंदर के टेम्परेचर और बायोमेट्रिक प्रेशर चेंजेस से थोड़े एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. इनसे भी पेन होता है आर्थराइटिस में. और मैंने जैसे बताया कि अंदर का जो जॉइंट फ्लूइड है, जॉइंट फ्लूइड तो हमेशा होता ही, वो थोड़ा थिक हो जाता, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होती है जॉइंट हिलाने, स्टिफनेस बढ़ सकती है ठंड के मौसम में. इसीलिए मॉर्निंग में ज़्यादा दिक्कत होती है, अर्ली मॉर्निंग सबसे ज़्यादा ठंड होती है, राइट. और इसीलिए हम जब उसमें मूव करते रहते हैं तो उसमें एक टेम्परेचर रेगुलेशन रहता है अंदर ही, जिससे कि आपका टेम्परेचर मेंटेन रहता है. आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को फिर मूव करने में आसानी होती है, राइट. और ज़्यादातर लोग जो ठंडे रहते हैं, जो अंदर बंद रहते हैं, ठंडी ठंडी जगहों पे चलते फिरते ज़्यादा नहीं है, कमरों में बंद रहते, उनको फिर पेन ज़्यादा होता है, जस्ट बिकॉज वो वहाँ पे वेरिएंट मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम से कम होता जाता है. यही सारे फैक्टर्स, आर्थराइटिस बढ़ जाता है, दिक्कत बढ़ जाती है, जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड है वो गाढ़ा हो जाता है, और जिसके वजह से आपको होता है पेन, राइट. और इस पे जो, जैसे मैंने कहा था, रिसर्च भी हुआ है कि बैक पेन, घुटने में पेन, इन सबसे ऐसा चीज़ें हो सकती हैं, राइट. फ्लेयर अप जो होता है वार्म क्लाइमेट में रिलीफ हो जाता है, लेकिन ठंडे एरा, ठंडे टाइम पे आपको दिक्कत हो जाती है. सो आपको क्या करना है, जब टेम्परेचर ड्रॉप हो, ठंडा हो, अपने आप को गर्म रखें. आप गर्म बाथ, थोड़ी सी गर्म बाथ लीजिए, ऐसे कपड़े पहने जिससे कि बॉडी या गर्म रहे. सॉक्स पहनिए आप, अपने ग्लव्स पहनिए आप, ब्लैंकेट्स ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट्स आते हैं, राइट. हीट बढ़ा सकते हैं घर की, अगर हीट बढ़ सकती है तो आप ट्राई कर सकते हैं दूसरी पैराफिन वैक्स या पैराफिन बाथ लेने का. अगर बहुत ज़्यादा आपके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो उस वजह से बॉडी क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें भी काफ़ी जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो पैराफिन से ट्रीटमेंट करते हैं. और अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो फिर आपको मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, राइट. पेन किलर्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो आप लेते हैं, काफ़ी हद तक लोगों को पता ही है. इसके अलावा आपको ऑब्वियसली बेसिक्स पे तो काम करना ही है, हेल्दी वेट मेंटेन करनी है, एक्सरसाइज, योगा, स्विमिंग, और एक्सरसाइज करिए अपनी मसल्स और बोन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है. यू शुड हैव प्रॉपर विटामिन डी, विटामिन बी12, कैल्शियम इन योर डाइट. डोंट स्ट्रेन योर जॉइंट, बहुत ज़्यादा
लिफ्टिंग, हैवी हैवी बॉक्सिंग जैसी चीज़ें नहीं, सिंपल एक्सरसाइजेस, रेगुलर एक्सरसाइजेस, रेगुलर करने में इफेक्ट ज़्यादा आता है, ये नहीं कि बहुत हैवी कर ली। मेक श्योर कि आपकी हेल्थ, न्यूट्रिशन और सबसे ज़रूरी है नींद, स्लीप मेंटेन रहे। इनमें से कुछ में भी प्रॉब्लम होता है तो आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन, जॉइंट प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं 2 गुना 4 गुना। ये बेसिक कारण होते हैं कि ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में, ह्यूमिड क्लाइमेट में आपके जॉइंट्स ज़्यादा दर्द करते हैं। इसको ऐसे आप टैकल कर सकते हैं। दैट्स द आइडिया। ओके।